हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मलाई पनीर। उसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने 1 इंच के क्यूब में काट लिया है। उसके बाद मैंने लिया है आधा कप दही, आधा कप पूरी मलाई वाली क्रीम वाली दूध, 12 से 15 काजू जिसे मैंने पानी में भिगो के रखा है, 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर चीनी, नमक स्वाद अनुसार, 3 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 2-4 काजू के टुकड़ों को मैंने टुकड़ों में काट लिया है, 2 हरी मिर्च। चलिए अब हम बनाते हैं। 2 बड़े टमाटर, सभी साबुत गरम मसाले को हम कूट लेंगे। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। मैं इसे तेल में बनाती हूँ। मैं कोई भी सब्जी तेल में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तेल डालती हूँ हमेशा। सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। यदि तेल गर्म हो जाए तो हम साबुत जो हमने गर्म मसाला कूट लिया है, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, इन सभी चीज़ों को डालेंगे। और हम अपने क्रीम वाले दूध में जो हमारा काजू फूल रहा है उसे पेस्ट बना लेंगे। उसका पानी निकाल के दूध के साथ उसे मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। काजू पेस्ट बनाने के लिए हमेशा गर्म पानी में करीब 1 से 1.5 घंटे आप अपने काजू को भीगने दें। और काजू हमेशा यूज करने से पहले उसे 2 भागों में बांट दें, ताकि उसके अंदर बाई चांस कीड़ा वगैरह हो तो आप देख सके उसे धो लें। साबुत काजू कभी भी यूज ना करें, क्योंकि बरसात का मौसम है और कीड़े भी लग जाते हैं। और देखिए काजू फूल के कितने बड़े बड़े हो गए सारे काजू हमारे। काजू को मैंने 2 भाग में कर लिया। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें सारा कूटा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। इसे करीब 30 सेकंड के लिए चलाएंगे। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ काजू, 2 हरी मिर्च, 1 मिनट के लिए भूनेंगे। क्योंकि हम इसमें कोई भी मसाला नहीं डाल रहे, इसलिए हम इसे इसकी ग्रेवी को गाढ़ा होने के लिए काजू का पेस्ट डालते हैं दही के साथ। और कलर के लिए हम टमाटर डालेंगे, तो 2 टमाटर मैंने काट लिया है, इसे डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। ये 3 से 4 मिनट हो गया है, अब हम इसमें अपने काजू पेस्ट को डालेंगे। मैंने काजू का पेस्ट मलाई वाली दूध के साथ मिला के पीस लिया। इसे चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें मलाई है, इसलिए इसे चलाते रहना होगा। इसी तरह हम दही को भी फेंट लेंगे। मैंने दही लिया था उसी काजू पेस्ट वाले जार में, मैं इसे फेंट रही हूँ और इसे तब तक भूनने रहती हूँ। इसे भी 2 से 3 मिनट भूनेंगे।
दो से तीन मिनट इसे हमने फ्राई किया है। अब ये जो दही हमने फेटा था उसे हम डाल देंगे और इसे चलाते ही रहेंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, क्योंकि इसमें किसी भी मसाले का यूज नहीं है, इसीलिए कोई भी खा सकता है, बच्चा भी खा लेता है, बच्चे खाएंगे, बूढ़े खाएंगे। मेरे घर में एक बच्ची है मेरी, वो बिल्कुल ही तीखा नहीं खाती है। इसी तरह मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बनाना होता है जिसमें तीखा कुछ भी ना। ये देखिए तेल छोड़ने लगा हमारा दही वाला मिश्रण भी। इसमें हम पानी डाल देंगे उसी जार से जिसमें मैंने दही काजू वगैरह का पेस्ट बनाया था। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, चुटकी भर जो चीनी लिया था वो डाल दिया, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कि बिल्कुल तीखा नहीं होता, कलर लेकिन उसका बहुत ही अच्छा आता है, तीन बड़े चम्मच कसूरी मेथी, आप कितनी भी हड़बड़ी में हो सब्जी बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगी आपकी। और इसमें इसे मिक्स करेंगे और इसमें पनीर डाल के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। मेथी मलाई पनीर तैयार। आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम है और मटर तो मिल नहीं रहा बाजार में, इसलिए बस मैं इसे सिर्फ इसी तरह बनाऊंगी सिर्फ पनीर के साथ। और इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। पांच मिनट हो गया है, अब हम देख लेते हैं। देखिए सब्जी बिल्कुल तैयार है। गैस को करेंगे बंद और अब हम इसे सर्व करने के लिए रेडी है, अब इसे सर्व करेंगे। ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। देखिए आज सब्जी बिल्कुल हमारी सब्जी तैयार है, अब इसे सर्व करेंगे। इसी में रखिए और डाइनिंग टेबल पे ले जाइए। इसे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च से गार्निश किया है और इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कसूरी मेथी अपना डेकोरेशन खुद ही कर चुका है पनीर के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।